फाइनली आई थिंक हमारी जो एक सच्ची दुआ थी या सच्चा एक प्रयास था वो रंग लाया। देखिए मैंने एक वीडियो बनाया था रिगार्डिंग बायोमेट्रिक प्रॉब्लम्स शायद एक महीना पहले, और वो वीडियो को देख के आप में से काफी लोग फोन करते थे और जितना मुझसे हो सका मैंने काफियों की हेल्प करी बायोमेट्रिक खरीदने में, लेट मी पुट इट दिस वे, क्योंकि हमने भी खरीदी थी अपने बच्चों के लिए। एंड बेसिकली आई गेव अ रिलायबल प्लेस फॉर पीपल, क्योंकि हमने ढूंढ लिया था रिलायबल बंदा जिसके पास ये काम था। बट डेफिनेटली फ्रॉम माई हार्ट आई नेवर लाइक्ड इट कि बच्चों का तो 12 15 18 20 हजार तक का नुकसान हो रहा था ये लेने के लिए। और VFS फाइनली जाग गया है, और मैं तो कई बार बोला था, मैंने वीडियोस में भी कहा था कि मैंने खुद कई बार ट्वीट किया उनके ट्विटर हैंडल पे जाके फेसबुक पेज पे जाके कि क्या अंधेर गर्दी हो रही है और क्या आपको नजर नहीं आ रहा है। फाइनली आई थिंक दे हैव टेकन द कॉग्निसेंस ऑफ अवर ट्रबल, और कल से ही मतलब ऑलरेडी अब आप VFS पे जाएंगे तो बिना बायोमेट्रिक इंस्ट्रक्शन लेटर के आप डेट बुक नहीं कर पाएंगे। यस, यही एकमात्र सोल्यूशन था, क्योंकि बाकी सबका तोड़ निकाल रखा था लोगों ने, लेकिन अब वही बायोमेट्रिक ले पाएगा डेट जो बायोमेट्रिक इंस्ट्रक्शन लेटर वो तभी मिलता है जब वीजा फाइल हो जाता है, राइट। क्योंकि अभी तक आपको पता बताया था मैंने कि ये फ्रॉस्टर्स का इन्होंने क्या करा है कि बहुत सारे डमी ईमेल आईडी बनाए और डेट्स पकड़ के बैठ गए, फिर जब आपको चाहिए थी तो आप इनसे कॉन्टेक्ट करते थे, ये अपना एक कंप्यूटर बैठ के कैंसिल करते थे और दूसरे कंप्यूटर बैठ के आपको दे देते थे। और VFS से यही कहा है कि देखिए अभी तक जिनके पास डेट्स हैं मना नहीं कर सकते, लेकिन अब जो फ्रेश डेट है तो हो सकता है कि मार्च तक अप्रैल तक तो आपको डेट नहीं मिलेगी, ये भी ध्यान रखिए, क्योंकि VFS को फिलहाल नहीं पता ना कौन लोग ईमानदार थे, राइट। सो उन्होंने बात क्लियरली बोली है कि भाई हम ऑनर करेंगे जो डेट्स लोग ऑलरेडी ले चुके हैं। सो ये मुश्किल अगले 2-3 महीने तो रहेगी, क्योंकि जो लोग पहले से डेट्स हैं उनको VFS कैंसिल नहीं कर सकता, क्योंकि VFS को नहीं पता कि कौन जेन्युइन है कौन नहीं है, और लोग कह रहे कि हमने डेट सोच समझ के ली थी तो आप हमसे कैसे चैलेंज कर सकते हैं। तो VFS कह रही है कि हम उनको चैलेंज नहीं करेंगे, लेकिन अब आप फर्दर जो डेट्स हैं उसके लिए आप ऑनलाइन भरेंगे, एक अच्छा नया सा फॉर्म आ गया, सेम जब बुक बायोमेट्रिक वाले VFS के पेज पे पहुंचेंगे वो आपको नई लिंक पे ले जाएगा। ऑफकोर्स आपको मोबाइल नंबर भी डालना पड़ेगा जिससे OTP आएगा, वो हर 30 मिनट में एक बार अलाउड है, तो वो भी इज नॉट अ बिग फैक्टर, लेकिन असली बड़ा फैक्टर है वो ये है कि आपको BIN लेटर पहले अपलोड करना पड़ेगा, फिर ही आप डेट ढूंढने के लिए आगे जा बढ़ सकते हो। और जो कोविड के टाइम में VFS ने किया था, आई एम श्योर कि जब आप अपलोड कर लेंगे तो VFS खुद ही मेल भेज भेज के डेट दे रहा था, तो आई थिंक कि अब सेम प्रोसेस दोबारा से आ जाएगी जब तक ये सब कुछ स्ट्रीमलाइन ना हो जाए। सो अगले 2-3 महीने बच्चों को स्ट्रगल करना पड़ेगा, जो लोगों ने पहले से डेट्स ले रखी थी उनको कैंसिल नहीं कर रहे हैं फ्रॉस्टर से छुड़ाई से, लेकिन गोइंग फॉरवर्ड अब VFS खुद आपको डेट दे रहा है, BIN लेटर अपलोड होने के बाद ही दे रहा है, दैट मीन्स उन्हीं लोगों को दिया जाएगा जिनका ऑलरेडी वीजा फाइल हो चुका है, और इस केस में अब थिंग्स काफी स्ट्रीमलाइन हो जाएंगी। धन्यवाद।